किसान भाइयों से निवेदन है कि इस मूवी को जरूर देखें। ऋषि जी, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के सैंपल हैं। जरा चेक करना कि इनके पैकेट के न्यूट्रिएंट्स इनके लेबल के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। पैकेट्स के लेबल अलग अलग हैं, लेकिन मिक्सचर सब में एक ही है। नया और अच्छा समझ के किसानी से खरीदते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मैम, इसका मतलब ये फर्टिलाइजर्स भी एक तरीके से पॉइजन है। ऋषि, ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक किसान जेनेटिकली मॉडिफाइड या हर्बिसाइड सीड खरीदता है तो उसे मजबूरन ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड खरीदने ही पड़ते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज के सर्टिफिकेशन यहीं से अप्रूव होते हैं। ये देखो ये इन्हीं की स्ट्रेटेजी है। ये देखो, जी सर, फर्टिलाइजर के नए सैंपल्स आने वाले थे, उनका क्या हुआ? सर, वो तो एकता मैडम ले गई। मैम, ये तो सरेआम धोखाधड़ी है। हेलो सर, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर, हमने 3 दिन पहले आपको सीड और पेस्टिसाइड की रिपोर्ट भेजी थी, वो मिली क्या? नहीं, हमें आपके कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले। एक बार प्लीज चेक करिए, हमने सारी डिटेल रिपोर्ट आपको ईमेल की थी। नहीं मैडम, वहाँ से तो हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। हेलो ऋषि जी। सर, आज शायद तुम्हारी इंटर्नशिप का लास्ट डे है। जी सर। व्हाई डोंट यू गो टू माय केबिन एंड वेट फॉर मी। हाँ एकता, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग ऑन? तो आप ये सब पहले से जानते थे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी अभी तक? एकता लिसन केयरफुली, ये नई टेक्नोलॉजी है। We need to give time for science to grow. Be in our team. हमें एक पेस्टिसाइड, एक सीड, एक फर्टिलाइजर अप्रूव करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। ओह, तो ये साइकिल आप लोगों का बनाया हुआ है कि जब एक किसान तुम्हारे सीड्स खरीदेगा तो उसे मजबूरन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स खरीद नहीं पड़ेंगे। किसान बेसिक फार्मिंग कर रहे थे, उपज और प्रॉफिट के लिए सब करना पड़ा। अब तुम सोच लो, उपज बढ़ाने के लिए 4 गुना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो भी पूरे झूठे वादे। बीटी कॉटन के बारे में क्या दावे किए थे आपने कि पूरा पेस्ट कंट्रोल होगा, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हुआ क्या? चूसने वाले कीड़े और पिंक बॉलवॉर्म पहले से भी ज्यादा हो गए। सोच लिया, तुम जैसे गिरे हुए लोगों के साथ काम करने से तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं। मैं देखता हूँ कैसे छोड़ती है नौकरी। मैं तुझे छोड़ के जाने दूंगा तब ना। ये इलीगल ट्रेडिंग क्यों करते हो तुम लोग? मैम, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इंटरनेशनल प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा स्टॉक कहाँ भेजा है? पंजाब में। मैम, हमें इनकी सर्टिफिकेशन किसी भी तरीके से रोकनी होगी। ऋषि, एक काम कर, आसपास के गांव में जा, सर्वे कर और पता कर कि ये सीड्स किन जगहों पर गए हैं। जी मैम। लेकिन मैम, आप कहाँ जा रहे हो? पंजाब।
भैया जी, मैं एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से आई हूँ, मुझे अवतार जी से मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम एकता है। ओ मैडम जी, आप जिस डेटा के लिए रिसर्च सेंटर से आई है ना, वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाना था। ओ तुसी तो एवे ही आ गए जी इतनी दूर। देखिए मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर हमारे सेंटर से जो पेस्टिसाइड्स अप्रूव होकर आए हैं, मैं उनके डिटेल्स जानना चाहती हूँ। और उनका क्या जो पिछले 30 साल से अप्रूव होकर आ रहे हैं? मतलब? मैं बताता हूँ, चलिए। फिर जी 2 टिकट कैंसिल ट्रेन की, 2। मैडम जी, इस ट्रेन का हर दूसरा बंदा कैंसर का पेशेंट है, आप कितने भी चेक कर लो। और यही ट्रेन है जो बठिंडा से बीकानेर तक जाती है, अब आप इनको ही देख लो। आइए आइए, देखना चाहती थी ना आप, ये हाल किया आपके पेस्टिसाइड्स ने। किसी का भी टेस्ट करवा लीजिए मैम आप, खून नहीं पेस्टिसाइड्स ही निकलेगा। गवर्नमेंट से कोई हेल्प? जहर और दवाई दोनों एक ही कंपनी बनाती है। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप दिल्ली जाकर भूषण सर से मिल सकती हैं। सर इन पेस्टिसाइड से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई इसे रोकता क्यों नहीं है? प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट। एकता, हमारे देश में 100 अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन 100 फसलों में से सरकार सिर्फ 24 फसलों का दाम तय करती है।
और उन 24 में से दो फसलें गेहूं और चावल को सरकार किसानों से खरीदती है। गेहूं और चावल के दाम गांव में एक सर्वे टीम को भेजकर किया जाता है। सर्वे टीम किसान से उनकी खेती की लागत के बारे में जानकारी लेती है। किसान अपनी 30% कमाई पेस्टिसाइड, सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, 30% लोन पे करने के लिए और बाकी बची कमाई जमीन का किराया भरने में लगाते हैं। किसानों की इस लागत के आधार पर सरकार भाव तय नहीं करती, बल्कि कंज्यूमर की जेब की क्षमता के अनुसार भाव तय किया जाता है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और बाकी के 22 फसलों का भाव लोकल ट्रेडर्स तय करते हैं। जब मार्केट में उन 22 फसलों की डिमांड ज्यादा होती है, तब उन्हें गोडाउन में रोक दिया जाता है। डिमांड दोगुनी होने पर ट्रेडर्स उसका फायदा उठाकर फसलों को मनमाने दाम पर बेचते हैं। ट्रेडर्स की इन हरकतों से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर, किसान जब एक फसल को बाजार में बेचने जाता है, तब उसका पहला हिस्सा उसे तैयार करने में जाता है, दूसरा उसकी पैकिंग में, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन में, चौथा उस पर टैक्स भरने में, पांचवा मार्केटिंग पर, छठा मिडलमैन को, सातवां होलसेलर को, आठवां रिटेलर और सबसे आखिर में जो हिस्सा बचता है वो मिलता है किसान को। इस नुकसान से बचने के लिए अगर सारे किसान मिलकर अपनी फसलों को सीधे कंज्यूमर को बेचे तो उन्हें सिर्फ पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा। इसके अलावा उन्हें सिर्फ रिटेलिंग और उसका टैक्स भरना होगा। इस प्रोसेस में पहले 90% के मुकाबले 50% ही किसान का खर्च होगा और बाकी का 50% किसान को मिल जाएगा। किसान अपनी मर्जी से खेती कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता। सर, अथॉरिटी कुछ क्यों नहीं करती? अथॉरिटी? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हाँ ऋषि। मैम, गांव वालों को मुआवजे के नाम पे सिर्फ 5 रुपए का चेक पकड़ा रहे हैं। ऋषि, सारी डिटेल्स ईमेल करो। जी मैम। मैम एक और चीज। हाँ? हमने जो लैब में सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर टेस्ट किए थे, हाँ? गांव वाले वही सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सर। मराठवाड़ा जाओ, सबसे ज्यादा सुसाइड्स वहीं पर हुए हैं। मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि मैं इन प्रोडक्ट्स की सच्चाई आप सबके सामने रख सकूं। ये प्रोडक्ट्स कंपनीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। महंगे होने के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स की वजह से एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान हो रहा है। आपको पता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन कई देशों में बैन है, फिर भी बिना परमिशन के ये सीड्स हमारे किसानों तक पहुंच रहे हैं और इस वजह से कैंसर जैसी कई बीमारियां आए दिन हो रही हैं। मैडम, पिछले 30 साल से सारे प्रोडक्ट पूरे देश में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च की है, इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट इसमें है। ये बीटी सीड्स है, अगर किसान इन्हें बोते हैं तो उन्हें मजबूरन ये पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर खरीदने ही पड़ते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। इसका मतलब आप ये कहना चाहती है कि हमारे किसान इन सारी चीजों की वजह से कर्ज में गिरते हैं? हाँ, ये इतने महंगे हैं कि किसान इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। अगर किसान ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो कर्ज में नहीं डूबेंगे। और मैं आप सबके माध्यम से इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरे देश भर में रोकना चाहती हूँ। ये सब तो ठीक है मैडम, पर आप उनको कैसे रोकेंगे जो इनको ब्लैक में बेचते हैं? और मौसम के बदलाव का उसका क्या करेंगे आप? इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम कोशिश करेंगे, इस मिट्टी के साथ काम करेंगे, मिलकर रास्ता निकालेंगे। थैंक यू।